दर्शन मैं हूँ आपके साथ। दोबारा आप देख रहे हैं जब वक्त हो गया रखा होगा। बाढ़ग्रस्त चिकनौर में लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। किसी का घर उजड़ गया तो किसी की जिंदगी खत्म हो गई है, क्योंकि चिकनौर में आई बाढ़ ने एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया है। जिसके बाद नेता सरकार सबकी तरफ से बेघर हुए लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाढ़ग्रस्त लोगों को अपनी तरफ से जितना हो रहा है उतना हर संभव सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाड़ और चिकनौर में बाढ़ प्रभावितों के सहायता के लिए डॉक्टर महेश संघवी आगे आए हैं। श्री जी हेल्थ केयर की तरफ से डॉक्टर महेश संघवी ने मास्क, मेडिसिन, ग्लव्स आदि वस्तु देकर उन लोगों को राहत देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि पहले जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान भी श्री जी हेल्थ केयर की तरफ से लोगों को मदद पहुंचाई गई थी। लोगों को खाना, दवाई, मास्क सब कुछ फ्री में दिया गया था। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश संघवी घाटकोपर श्री जी हेल्थ केयर सेंटर से आप सब लोगों को प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि बहुत समय से ये जो है फूल पीड़ित से महाराष्ट्र परेशान है, खास करके जो है महाड़ चिकनौर के आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत प्रभावित है। आरएसएस जन कल्याण समिति बड़ी जोरों से काम कर रही है, उसके साथ में एमएस आयुर्वेद कॉलेज चिकनौर के पूरी टीम जुड़ी हुई है, आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया, हम सब लोग मिलकर जो है समाज को अपील करके जो है सामान भेज के वहाँ पर बेस कैंप दो बने हैं हमारे आरएसएस जन कल्याण समिति के, एक माड़ में और एक चिकनौर में। उसका विवरण हम आगे आपको देंगे फाइल में, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अभी तक जो है वहाँ पर हमने खाने पीने का सामान, पानी की बोतलें और पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन जो है पहुँचाया है, और आज अभी जो है ये यहाँ से जो है ये जा रहे हैं हमारे यहाँ से दवाइयाँ जो ऑलरेडी वहाँ पर गाँव गाँव जाके एम्बुलेंस के द्वारा डॉक्टरों जहाँ पर भी हमको निर्देश मिलेगा, जन कल्याण समिति जो हमको देगी वहाँ पर हम ये काम करेंगे। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कपड़े भेजे तो अच्छी तरह का भेजे, और खास करके बेडशीट टॉवल्स भेजे, और अगर आपके पास फंड एकत्रित होता है तो अंडरगारमेंट्स भेजिए, क्योंकि पानी में कुछ बचा नहीं है। और खास करके महिलाओं के लिए नाइटी या तो गाउन जो है वो भी आप भेजिए, और जेंट्स के लिए बरमूडा और टी शर्ट्स भेजिए। बच्चों के लिए भी किसी किस्म का मतलब जो है वहाँ पर कोई कपड़े नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नए खरीद के देते तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो फिर जो है आप ये सेकेंड हैंड अच्छी क्वालिटी का भेजिए। और इसके लिए आपके पास अगर भेजने की कोई सुविधा है या आपको उसकी सहायता चाहिए तो हमारा संपर्क करें, हम जो है ऑन बिहाफ ऑफ यू वहाँ पर हम पहुँचा देंगे। और हर घर में हम जो है 15 दिन की किट्स बनाने की योजना बनाई है, उसका विवरण भी अलग से आपको PDF में दे रहे हैं, उस हिसाब से आप संपर्क करें। और इस कपड़े काल में आप थोड़ा सा अनुदान करेंगे या फिर हम एक एक आहुति देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सभी जो समय से पीड़ित लोग हैं वो अच्छी तरह से अपना जनजीवन कर सके। धन्यवाद, आप सब लोगों का आभार, और ईश्वर आपको सुखायु दे और आपको दान देने के लिए कुछ न कुछ प्रेरणा करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। खास खबरों के लिए।